वेलकम टू जायका वर्ल्ड विद मीना कोज़ेर। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। क्या पकाया जाए, हर रोज़ का मसला। तो ये आप बात मेरे पे क्यों नहीं छोड़ देते? आप बनाएं चाय का कप और मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना, ठीक है? तो क्या बनाएं आज? मैंने सोच लिया आपके लिए, आज हम बनाएंगे काला चना। तो काला चना किस किस को पसंद है, मुझे ज़रा बताएं, हाथ खड़े करें। अच्छा चलें, ठीक है। काले चने को हम बनाएंगे आज, एक दो तरीके से हम इसको बनाएंगे, देखते हैं जैसे जैसे हम चलते हैं तो क्या कुछ इसके साथ हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर हमारी बातें जो है आपको पता है वो तो होती रहती हैं। तो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स काला चना, ये मैंने बॉयल करके रखा, और इसको मैंने क्या किया कि सोख करके रखा, और 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में बनाया। अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको नहीं बनाना तो ओवरनाइट इसको सोख करें, और हाफ एन आवर के लिए इसमें इतना पानी डालें कि ये कवर हो जाए, और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी रहना चाहिए। उतने पानी में ही आप इसको भगोएं और उसी पानी में उसको पकाएं जितना कि आपने रखना है, क्योंकि इसका पानी आपने वेस्ट नहीं करना। तो मैंने ये लिए थे 3 कप, और इसमें तकरीबन 6 से 7 कप जो है वो अगर आपने उनको वैसे पकाना है तो 6-7 कप उसमें पानी डालेंगे। अगर आपने इसको बनाना है प्रेशर कुकर में तो 5 कप पानी जो है इसके लिए बहुत होंगे। हमने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में बॉईल किया, टाइम बच जाता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास स्पाइसेस कौन से हैं। हमारे पास स्पाइसेस हैं ऑफकोर्स जो कि हमारा स्पाइस रैक है, आपको भी अभी पता है कि इसमें क्या कुछ है। तो ये रोस्टेड इसमें ज़ीरा और क्यूमन सीड और कोरिएंडर सीड जो है वो रोस्ट करके मैंने इनको ग्राउंड किया हुआ है। और ये मेरे पास हल्दी है, ये हमारे पास स्पाइसेस हैं जो कि आज हम इसको यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हमारे रैक में ये होते हैं हमेशा। तो चिली पाउडर है हमारे पास, ज़ीरा है, और ये गरम मसाला ग्राउंड किया हुआ है, फ्रेशली ग्राउंड किया हुआ गरम मसाला है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा ये सॉल्ट है हमारे पास। ये जो चीज़ें हमारी इसके शोरबे के अंदर जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने का, उसमें जो जाता है ये प्याज है और जिंजर है, और गार्लिक हमारे पास है, टमाटर है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, और मिर्चें हमारे पास सब्ज़ और रेड कलर की, ऑप्शनल है रेड कलर की, आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं हम इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। और सैलड है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेपर हैं, बेल पेपर 2-3 कलर की हैं, एप्पल है, लेमन है हमारे पास, ग्रीन अनियन है हमारे पास, एक ऑरेंज पड़ा हुआ है टेंजरीन, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, मज़ा आने वाला है। आज थोड़ा सा मैंगो था मेरे घर में, वो लिया मैंने। और ये आप देख सकते हैं पोमीग्रेनेट सीड, नाशपाती है, फेर है यानी, और एप्पल है, और बनाना है। जो जो आपके पास फ्रूट होंगे वो आज एक सैलड हम बनाएंगे। अगर घर में जैसे जैसे आपके घर में अगर इससे कम फ्रूट हैं या कोई ज़्यादा हैं या डिफरेंट किस्म के हैं तो वो भी हम दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। अच्छा ये हमारे पास कुछ मिक्स सैलड लीव्स पड़े हुए हैं, पानी है, और दैट्स इट। ये दो तीन चीज़ें आज हम बनाने जा रहे हैं, उन सब के इंग्रेडिएंट्स हैं, मिक्स हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके है। आप लोगों को पता है कि कैसे बनाने हैं, मेरे तरीके से बनाइएगा और देखिएगा कि किस तरीके से जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं उसी तरीके से इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं जिस तरीके से आप इसको बना के खाते हैं। तो चलें हम ये चीज़ों को सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। अब ये हमने मैंगो क्योंकि थोड़ा सा काट के रखा हुआ है तो काट के रखा हुआ काला हो जाएगा जब तक के सैलड बनाने का टाइम आएगा। तो ऐसे करते हैं कि मीनवाइल हम इसको कवर करके रख लेते हैं। जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ काटी जो कि काली होती है, आयरन ज़्यादा होता है उसमें, और काली अगर हो जाए तो क्या करते हैं कि लेमन लगा के उसको थोड़ा सा रख दें, या फिर ऐसे एयर टाइट उसको कर दें, क्लिंग फिल्म में रैप कर दें, तो वो काफ़ी टाइम तक जो है वो उसका रंग चेंज नहीं होगा। अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनानी है, सैलड को भी हटाएंगे यहाँ से हम, और हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जिसको हमने स्टार्ट करना है। पहले हमारे पास एक ओनियन है, और एक ओनियन को हमने कर लिया चॉप, हमें इसको रफली चॉप करना है क्योंकि हम इसको करेंगे ग्राइंड। हमने पकाना है आज एक किस्म का चने का सूप, सालन होगा लेकिन एज ए सूप भी आप इसको कर सकते हैं। आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने ग्राउंड फॉर्म में करना है या आपने उसमें चंक्स रखने हैं। तो मैं जो है चाहती हूँ कि हमारा जो टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, इसलिए मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। तो हम डालते हैं इसको, थोड़ा सा इसको हमने 1 सेकंड के लिए हो गया,
जॉब डन। अच्छा, अब हमने यहाँ से इसको हटा लिया। हम इतने में क्या करते हैं कि हम ऑन करते हैं अपनी फायर जो है, सेफ्टी रीजन के लिए हम इसे पीछे से बंद कर देते हैं। अभी हमेशा जो मेन होता है उसको बंद कर दिया करें। ओके, ये हो गया, हमने इसको ऑन कर लिया। अब ऐसे करते हैं हम कि इसको हीट अप करने दे होने देते हैं। जब तक ये हीट अप होता है, हम थोड़ा सा अपना गार्लिक पील कर लेते हैं। हम करेंगे किचन में जल्दी जल्दी से काम और आपसे करेंगे बातें। अच्छा बताएं, किस किस को काले चने पसंद है और कौन रेगुलरली बनाता है इनको? तो मैं घर में इनको विंटर के जो सीज़न है, इसमें जो आने वाला है, उसमें इसको रेगुलरली बनाती हूँ, वंस अ वीक बनाती हूँ। इतने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं काउंटलेस। अगर हम चाहें तो उस पर पूरा दिन हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इसको, जिन्होंने पहले दफ़ा ये अब खाना शुरू करेंगे, ऑफकोर्स खाना शुरू करेंगे, तो उनके लिए मैं उनको बता दूं कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ थोड़े से हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ओके, रिच ऑफ, सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि फ़िश और चिकन नहीं खाते हैं, तो ये उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उनकी जो डेली प्रोटीन है वो तकरीबन पूरी हो जाएगी एक मील के साथ। अच्छा, ये हमने इसको पील कर लिया। अब हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं, क्योंकि आज हम इसको बना रहे हैं हेल्थी वे में, तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। ओके, ये हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं, क्योंकि आज हम इसको हेल्थी वे में, आज का सारा जो प्रोग्राम है वो हेल्थी, क्योंकि चना एक हेल्थी फूड है। तो ये देखें, हमने इसको इतना ही ऑयल डालना है जितने में हमारे ये ऑनियन और मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ज़रूरत नहीं है हमें, तो 3 से 4 टेबल स्पून डाला है, चाहे तो इससे भी कम डाल लें। ओके, सो हमने जो ये प्याज हमने कट के रखा था, ये हमने डालना है इसमें। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है जी, बिल्कुल गर्म हो गया ये। अब चाहें तो आप प्याज को स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। एक और वे जो इसका पकाने का सबसे आसान वे है, वो हर चीज़ आप इसमें कट्टे ही डाल के प्रेशर कर सकते हैं, तो वो सूप की तरह वो भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन क्योंकि मैंने चने पहले ही यहाँ पे बॉईल करके रखे थे, तो हम क्या करते हैं कि हम मसाला बाद में तैयार कर लेते हैं इसका। तो ये हो गया, हमने अच्छे तरीके से ये सारे का सारा प्याज निकाल लिया, और प्याज हो रहा है फ्राई। तो हम क्या करेंगे कि इसी में जो हमारा गार्लिक और जिंजर है वो हम इसी में ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा सा हम इसको आहिस्ता करेंगे फायर को। इसके साथ हम जो दूसरी चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं वो है ज़ीरा, 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हला देते हैं इसको। वो झटपट बन जाने वाली एक ऐसी डिश जिसको खाने के बाद आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे। ओके, इसमें हमने ऐड किए 4, हमने इसमें 4 क्लब्स बिग वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें 4 ही ऐड किए, और ये तकरीबन 2 इंचज़ का टुकड़ा है इसका जिंजर का, ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं, हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा इससे। हो गया झटपट, ठीक है, ये हो गया हमारे ऑनियन जो है तकरीबन हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑनियन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दें, तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। हमें कभी कभी
किचन में ऐसे काम करना होता है कि हमें जल्दी जल्दी होती है, कहीं हमने जाना है, हमारी कोई अपॉइंटमेंट है, या कोई हमने शॉपिंग के लिए जाना है, या बाज़ार में, या कोई हमारा वेट कर रहा है, तो हमें झटपट खाना बनाना पड़ता है। तो जब हमें झटपट खाना बनाना है तो उसके लिए हम शॉर्ट वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने आज किया कि अनियन जो है वो हमने ग्राइंड कर लिया, और इसे गार्लिक और जिंजर भी कर लिया, और हमने अगर इससे भी ज़्यादा जल्दी है तो हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें, और नमक डालने से क्या होगा कि ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि नमक डाल के हमने अपने चने बॉईल किए थे ताकि वो बिल्कुल फीके से नहीं रहें, थोड़ा सा नमक उसमें ऐड किया था। तो नमक डालते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो मसाले भी और जो रेडीमेड सॉसेस भी आप यूज़ करते हैं उनको हमेशा थोड़ा सा चख लिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इसमें कितना नमक है। सो ये देखें, हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया। हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर जो हमने पहले से तैयार करके रखा है उसमें ऐड कर लेते हैं। है ना झटपट और आसान तरीका। सो हो गया, ये हमने गार्लिक और जिंजर जो हमने बना के रखा था चॉप किया हुआ वो हमने डाला है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 टेबलस्पून इसके 4 क्लव्स ऑफ गार्लिक और 2 इंच का जो एक जिंजर का टुकड़ा था वो हमने इसमें ऐड किया। अब हमने क्या करना है कि इसको हला लेना है हमने ताकि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और जो गार्लिक और जिंजर की जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाए। इसके बाद क्या होगा कि हम जब तक ये बुनेगा हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आगे हम इसका क्या प्रोसीजर है, इसका किस तरीके से बनता है ये डिलीशियस वाला काला चना। तो सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, उम्मीद है कि आप हमें ब्रेक में याद कर रहे होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। हम बना रहे हैं आज काला चना, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने ऑयल लिया 4 टेबलस्पून, उसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा, एक अनियन हमने ग्राइंड करके हमने अच्छे तरीके से चॉप करके उसमें डाला है, और उसके बाद हमने डाला गार्लिक और जिंजर। कितना था जिंजर? 2 इंचेस का एक पीस था जिंजर का, और 4 क्लव्स ऑफ गार्लिक थे। अच्छे तरीके से हमने इसको ब्राउन किया। आप जैसे देख सकते हैं कि सारी रो स्मेल उसकी ख़त्म हो गई और इसका इतना अच्छा कलर आ गया। सारी करीज में आपको गोल्डन ब्राउन कलर ही कहती हूँ, क्योंकि गोल्डन ब्राउन जो है वो एक आइडियल कलर है किसी भी करी की सॉस के लिए। तो चलें हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, तकरीबन आधा हमने इसमें टीस्पून ऐड किया, और इसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी को हला लेते हैं। हल्दी थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हल्दी को हम पहले डालते हैं, और उसके बाद उसको एक दो दफ़ा हला देने के बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिली। चिली जो है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। अच्छा, चिली कितनी पसंद है ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मैं इसमें तकरीबन ये 1/2 टीस्पून है, तो मैंने इसको 2 दफ़ा डाला, इसका मतलब है कि मैंने 1 टीस्पून इसमें चिली ऐड किया है। आप चाहें तो चिली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हमने इसमें चिली डाली उसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि चिली बर्न नहीं हो। बर्न होगी आपकी चिली तो सारा आपका जो करी का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। मसाले की ये एक मेन चीज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम रेडीमेड बसार यूज़ करते हैं, हमें इस तरीके से पता नहीं चलता कि हल्दी पहले डालनी है और चिली डालनी है, और चिली डालने के फौरन बाद क्या करना है। तो वो उनको, मेरी एक फ्रेंड है उसको बिल्कुल नहीं पता था, और मेरे ख्याल में वो लाइव भी होंगी हमारे साथ। तो आज जो है मैं आपको दिखा दिया लाइव TV पे कि कैसे आपने हल्दी पहले डालनी है और चिली किस टाइम पे डालनी है। टाइमिंग आपने आज नोट कर ली होगी। अच्छा, हमने इसे ये देखें जब तक ये ब्राउन हो रहा है हमने क्या करना है कि टमाटर, अब टमाटर जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक रूल है कि जब भी आप कोई ग्रेवी वाली या शोरबे वाली चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो ग्रेवी वो स्मूथ होनी चाहिए इन टेक्सचर। तो हम ये जो है इसमें जो ये टमाटर हैं, 2 टमाटर हैं, बहुत छोटे वाले से टमाटर हैं, तो मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ। तो अब अगर हमने इसकी स्मूथ ग्रेवी बनानी है तो मैं हर चीज़ को इसमें ग्राइंड करके डाल रही हूँ।
तो इसको मैंने अच्छे तरीके से काट किया, ब्लेंड किया। हो गया बिल्कुल ब्लेंड। अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो आपको चंक्स अच्छे लगते हैं इसके, तो फील फ्री आप डाल सकते हैं किसी तरीके से भी। लेकिन मैंने देखा कि घरों में, मैंने देखा स्पेशली बच्चे जो हैं वो टमाटर पसंद नहीं करते हैं, निकाल के रख देते हैं टमाटर को। तो ऐसे तरीके से उनको टमाटर उनके फूड में शामिल भी हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा अब ऐसे कैसे निकालेंगे वो करी में से। ये हम इसके थोड़ा सा तेज़ करते हैं, हम अपने मसाले को भूनते हैं। जब तक ये मसाला भूनता है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, हमारे पास एक सैलड है वो भी हम साथ साथ अपना सैलड भी तैयार करते हैं। हो गया ये, इसको ज़रा साइड पे हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें ये मसाले और ज़रूरत है, चाहिए हमें। अच्छा सैलड क्या मैं बनाने जा रही हूँ, सैलड वो मैं बनाने जा रही हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है घर में। कई दफ़ा आपके घर में कुछ फ्रूट्स बचे होते हैं और काफ़ी किस्म के वेजिटेबल्स बचे होते हैं, कई दफ़ा सैलड के लीव्स होते हैं, तो किस तरीके से इनको मिक्स एंड मैच करना है ये आप पे है। आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और किस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं वो आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ। ये हमारे पास कुछ घर में फ्रूट्स थे जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो कि जब आपका टेस्ट डिवेल्प हो जाता है तो फिर आप वही चीज़ें खरीदते हैं। सैलड को अपने खाने में ज़रूर शामिल किया करें। ये अब एक ऐसा मिक्सचर मैं बना रही हूँ जो कि फ्रूट और सैलड, और ऑफ कोर्स हमने दिखाना है आपको कि हम इस चिक पीस जो हैं ब्लैक फॉर्म में जो हैं ब्लैक कलर वाले चिक पीस, इनको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इनको, इनका जो एक और आपको हेल्दी वे बता रहे हैं वो ये है कि वो है हमारा ये सैलड के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ अच्छा, जो हम सब औरतों का एक बहुत बड़ा मसला है कि वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए आपको किस तरीके से ये चने जो है वो वेट लॉस का बेहतरीन तरीका है। प्रोटीन की मकदार इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको जो कार्ब्स हैं उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि ये स्लो रिलीज होता है। इसका एक और जो बेनिफिट शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये शुगर को जो है वो इंसुलिन जो बनाते हैं वो उसके प्रोसीजर को ये स्लो कर देता है, तो खून में इंसुलिन नहीं बनती है। कार्ब जो हैं वो इसके डाइजेस्ट ज़रा जल्दी नहीं होते हैं, इसलिए इसकी एक थोड़ी मकदार में इसको खाना चाहिए। ये नहीं है कि ये हेल्थी है तो आप इसको बहुत ज़्यादा खाने, नहीं, थोड़े इसकी मकदार में खाएं क्योंकि ये जल्दी आपके खून में शामिल नहीं होंगे और आप जल्दी भूखे नहीं होंगे, ब्रेक डाउन का जो अमल है इससे वो स्लो हो जाता है। तो ये हम, हमारे पास देखें हम कितने लकी हैं कि हमारे पास हर किस्म के ये सैलड लीव्स हैं यहाँ पे। मिक्स किया हुआ सैलड मिल जाते हैं, और अगर ये सैलड आपके पास नहीं है तो किसी किस्म के भी कोई भी लीव्स हैं, रॉकेट लीव्स बहुत अच्छे हैं, स्पिनिच, बेबी स्पिनिच, आइसबर्ग लेटस के, हमने यहाँ पे ये थोड़े से सैलड के पत्ते लगा दिए हैं। साथ साथ हम ये देखते जाएंगे कि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा ये मसाला हो गया। हम ऐसा करते हैं कि अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करते हैं अपनी ये जो हमने बॉईल करके चने रखे थे उनको हम ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 2 कप जो हैं वो हम इसमें यहाँ पे ये इस्तेमाल करें। ये हो गया 1 कप और ये हो गए हमारे 2 कप। तो हम यहाँ पे ये 2 कप बनाएंगे, बाद में हम बताएंगे कि हम ये जो पानी है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी पानी को दोबारा हम यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है, और जब तक ये भुनता है हम कंटिन्यू करते हैं अपने सैलेड के साथ। तो इसको हमने यहाँ से थोड़ा हटा दिया, थोड़े से ये जो हमारे पास फ्रूट है उसको हम चॉप करते हैं। जैसा कि आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि बनाना जो है, अगर आपको पता चले कि बनाने की छिलके में क्या कुछ है आपके लिए,
तो आप बनाने का जो छिलका है वो कभी आप इसको ज़ाया नहीं करेंगे। बनाने का जो छिलका है वो अगर आप मुंह पे लगाएंगे तो ये एक आपका बहुत अच्छा मास्क है, और अगर आप इसको जब आप खाना बना रहे हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है आपको उसके बाद तो शावर लेना है, आप इसको पकड़ के यूं करके तो फेस पे लगा लें और बालों पे लगाएं, बालों की शाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया एक टिप आज का। जब बना ये हम इसको हमने चॉप करके रख लिया, हो गया ये। जब तक क्योंकि हम एक वक्त में दो दो काम कर रहे हैं, और ये देखें हम इसको हिला रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये मसाले के साथ मिक्स हो गया है और भुन भी गए हैं हमारे चने। थोड़ा सा हम इनको और भून लेते हैं और ऑफ कोर्स हम अपना जो सैलड बनाने की तरफ हम दोबारा जाते हैं। अब हो गया हमारे पास यहाँ पे पाइनएप्पल। अच्छा, अगर आपने बनाना पहले काट लिया है और उसके साथ आपने इस पाइनएप्पल को रख लिया तो आपका जो बनाना है वो काला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बनाने के फौरन बाद मैं पाइनएप्पल काट रही हूँ, और ये पाइनएप्पल हम रखेंगे बनाने के साथ ताकि बनाना काला नहीं हो। और सेम एप्पल के साथ है, एप्पल अगर काला हो रहा है तो उसको आप पाइनएप्पल के साथ रखें। लेमन जूस का तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो ये देखें ये हो गया हमारा पाइनएप्पल तैयार। साथ साथ हम अपने चने जो हैं वो भी हिलाते जाएंगे। बिल्कुल हमारे चने भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऑयल किसी भी कुकिंग में जब ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो चीज़ भुन गई, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हम इसकी जो अफादियत है वो हम कम नहीं करना चाहते। तो चने को क्योंकि इसको इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब ऐसे करते हैं कि जो पानी हमने निकाल के रखा हुआ था या जिस पानी में ये पके हैं वही पानी जो है वो अब हमने इसमें दोबारा ऐड करना है। बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, सारा जो जायका है वो इसी पानी में है और सारे बेनिफिट भी इस पानी में है। और ये पानी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको सोक करके रखते हैं चने को और कच्चे चने जो हैं वो सुबह खा के और ये पानी पी लें तो ये आपका वेट लॉस जो है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। पानी जो है तकरीबन हमें इसी डिश के लिए चाहिए तो हम इसमें से सारा पानी जो है वो निकाल लेते हैं। ज़ाया कुछ नहीं करना, और समीना के किचन में तो बिल्कुल ही कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है। तो ये हमने पानी इसमें ऐड कर दिया, और जो हमारे ये मसाले हैं इस स्टेज पे आके मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रेवी रखना चाहती हैं या इसको शोरबा बनाना चाहती हैं। तो ये देखें एक टीस्पून जो है ये हाफ है, तो एक टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया जो कि रोस्ट किया हुआ था और ज़ीरा जो कि रोस्ट किया हुआ था वो मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा सॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चने जो हैं वो सॉल्ट में मैंने भगो के रखे थे, तो थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें और ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ये मेरे पास गर्म मसाला है, जस्ट हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये हम हटा देते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से, और उसमें थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे और उसको कवर करेंगे। हमने थोड़ा सा इसमें पानी किया, ये आप देख रहे हैं कि ये बॉईल हो रहा है,
तो हम इसे 10 से 15 मिनट तक सिमर करेंगे ताकि सारा जो ग्रेवी का टेस्ट और चने का, ये पके हुए तो पहले ही हैं, सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए और टेस्ट को एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए कुकिंग के लिए रखते हैं। जब तक ये पकता है हम अपना सैलड जो है वो तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल तो ये हो गया हमारा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को हमने टॉप करना है किसके साथ, आपको जैसा कि बताया कि हमने इसको टॉप करना है हमने बनाने के साथ, क्योंकि बनाना फिर बच जाएगा काला होने से। हम थोड़ा सा जो पाइनएप्पल है उसको अभी रख लेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा एप्पल भी। तो जब हम इसको यहाँ पे रखा, अब आपका जो ये बनाना है ये बिल्कुल काला नहीं होगा, ये हो गया। अब हम इसमें एप्पल डालते हैं, एप्पल अ डे। कौन कौन खाता है एप्पल को? एप्पल को उसके छिलके के साथ ही एक कलर देगा। अच्छा, जब तक हम ये अपना थोड़ा सा एप्पल काटते हैं तो हम क्यों ना एक शॉर्ट ब्रेक लें, और क्योंकि आप लोग भी जाएं ज़रा चाय वाय का कप बनाएं, तो हम वापस आते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, उम्मीद है कि आपने अपनी चाय जो है बना के आप बैठ के होंगे। तो ब्रेक से पहले हमने क्या किया, हमने चने पकाने के लिए रखे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम साथ साथ उसका रिकैप आपको देते रहे। और इसके बाद हमने एक हेल्थी किस्म का सैलड स्टार्ट कर दिया कि काले चने को और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया कि हमारे पास जो सैलड के लीव्स थे वो थे हमारे पास, और थोड़ा सा थोड़े से फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो हम यूज़ करते हैं। और फिर हम बताते हैं कि काले चने का इस्तेमाल इसमें क्या हमें किस तरीके से करना है और हमें क्या ये हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इससे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, काला चना खाया करें सर्दियों में, ये आपको बचाता है सर्दी से। बालों के लिए बहुत अच्छा है, हाँ बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जिंक है बहुत ज़्यादा, तो ग्रे बालों का मसला भी आज हल हो गया, ठीक है। तो ग्रे बाल जो हैं वो नहीं होंगे आपके, और बाल लंबे करेगा, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ताकत है इसमें। आपके आयन जो है वो आयन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या क्या इसके मैं फ़ायदे आपको गिनवाऊं? जॉन्डिस, जिन लोगों को जॉन्डिस होती है वो अगर इसको पानी में सोख करके रख लें रात को, ओवरनाइट इसको सोख करना है, और सोख करने के बाद ये देखें साथ साथ मैं अपना फ्रूट भी काट रही हूँ। तो सोख करने के बाद ओवरनाइट आपने इसको सोख किया और इसको सुबह जो है वो आपने चबा के खा लिया, कच्चे चने को चबा के खा लिया, और उसके बाद जो उसका पानी है उसको पी लिया। उसमें अगर आप चाहें, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ या हनी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, तो ये आपका जॉन्डिस जो है वो ख़त्म करेगा। अनीमिक जो बच्चे होते हैं उनका, क्योंकि आयन है इसमें, तो अनीमिक जो बच्चे हैं उनके लिए, या जो बड़े हैं अनीमिक उनका भी ये आयन का मसला हल हो जाता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा, और वेजिटेरियन फैमिलीज़ जो हैं इसको कंटिन्यूसली अपने घरों में इसको पकाती हैं। हम भी बनाते हैं जो कि नॉन वेज खाने वाले हैं, हम लोग भी बनाते हैं। मैं नॉन वेज हूँ, नॉन वेज खाती हूँ, तो इसके बावजूद मुझे जो चने हैं वो इतने पसंद हैं। अच्छा, अब हमने अपने जो हमारी स्ट्रॉबेरी थी उसको हमने काट लिया, और हम ये थोड़ा सा इसमें फिर शामिल करेंगे। ये हो गया हमारा फिर। और व्यूअर्स, एक और तरीके का आपको याद होगा अपने बचपन में, अगर कभी आपने पाकिस्तान में अपना बचपन गुजारा है तो ये चने जो हैं ये बाज़ारों में मिलते हैं रोस्टेड, तो मिलते ही हैं, एक और तरह के चने मिलते हैं आपको। तो चले हम, जब तक हमारा ये सैलड बनता है, हम चटपट से एक और रेसिपी तैयार कर लेते हैं, बहुत आसान, एक मिनट की रेसिपी है, फिक्र नहीं करना। अच्छा, तो ये हमने इसको पैन को गर्म होने के लिए रख दिया, और पानी जो है इस चने का हमने सारा निकाल लिया। हमने क्या करना है, ये एक किस्म के डिहाइड्रेटेड चने हमने बनाने हैं। इनको चाहें तो आप ग्रिल में कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको पैन में कर सकते हैं। वाह, आज तो मज़ा आ जाने वाला है।
तो अगर आप डाइट पे हैं या आप अपना वज़न कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको एज ए स्नैक आप रख सकते हैं घर में बना के, और वक्फे वक्फे से इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपने खा लिए तो इसके बाद फिर आप और कुछ नहीं खाइएगा। इतने ईजी नहीं होते हैं ये डाइजेस्ट करने के लिए, और यही रीज़न है कि आपको भूख नहीं लगती है, और जब आपको भूख नहीं लगती है तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। तो ये देखें, हमने ये जो फेर था वो भी हमने इसको चॉप करके रख लिया। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ये कलरफुल जो आपकी शिमला मिर्ची हैं वो भी आप ऐड कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ों का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता वो आप छोड़ दें, और जो आपका दिल करता है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये एक कलर देता है और क्रंच देता है आपके सैलड को। ये देखें, माइल्ड है, ये कोई हॉट नहीं होती है, आपको पता है इसके टेस्ट का। मुझे अच्छी लगती है ये सैलड में, पका के भी अच्छी लगती है। स्टफ बहुत होती है मिडल ईस्ट में, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो हमने ये किया कि हमने ये भी थोड़ी सी ऐड कर ली, क्योंकि जितने ज़्यादा कलर है और जितने जितने कलर होते हैं उसी के हिसाब से सब्जियों की अफादियत होती है, और फ्रूट की भी। जैसे रेड कलर के जो फ्रूट जो वेजिटेबल होते हैं वो आपको आपके दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें, ये भी हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, एक ऑरेंज है, चाहें तो शामिल कर लें, नहीं शामिल करना तो कोई बात नहीं है। विटामिन सी आपको बचाएगा ये सर्दी से, नज़ले से, ज़ुकाम से। पील कर लिया हमने इसको, और इसका जो छिलका है, छिलका किस चीज़ के काम आता है, आपने डिज़र्ट बनाए होंगे, डिज़र्ट में काम आता है ये। सारा फ्लेवर जो है इसका छिलके में होता है। हमने आज फेंक दिया, लेकिन आप कोशिश करें कि नहीं फेंकें इसको। मरब्बे इसके बनते हैं, पिकल इसके बनते हैं, ड्राई फॉर्म में ये यूज़ होता है हमारे डिज़र्ट्स में। इसका पील जो है वैसे फ्रेश जो है वो भी डिज़र्ट्स में यूज़ होता है। और ये हमारा एक ऑरेंज भी तैयार हो गया काट के। लेमन हमें चाहिए, तो ये देखें हमारा जो फ्रूट का सारा हमने बंदोबस्त कर लिया। तो ये देखें, ये हमने एक स्लाइस इस पे गार्निशिंग के लिए हमने ले लिया, और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि हमने अपना ये लेमन जो है ये क्यों पील किया। तो व्यूअर्स, ये हम अब इसको ऐसे करते हैं कि ये सैलड को असेंबल करने की तरफ चलते हैं। साथ साथ हमारा आपने देखा कि हमारे ये जो चने हैं वो अच्छे तरीके से पक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करनी है, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा ये जो हमारे पास चिली थी वो हम थोड़ी सी इसमें चिली जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो साथ सैलड बनाएंगे। सैलड के साथ हमने चिली नहीं रखी है, चिली को हमने थोड़ी सी साइड पे रखा है। ये हमने चिली काट ली, और अभी हम थोड़ी देर के बाद हम उसको ऐड करेंगे अपने जो शोरबा हम बना रहे हैं। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से ये डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बिल्कुल हमने इनको ड्राई कर लेना है। कोई चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, सॉल्ट में ये पहले ही बॉईल किए हुए हैं, डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम अपना साथ साथ हम सैलड जो है वो हम असेंबल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल के साथ पाइनएप्पल, और बनाने के साथ पाइनएप्पल को अगर आपने ऐड कर दिया तो वो काले नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं अपना एप्पल, और जो भी काला होने वाला फ्रूट है उसको हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिडल में हमने ऐड कर दिया, साथ पाइनएप्पल के। साथ साथ हमारे चने जो हैं वो देखें, अच्छे तरीके से इनको हमने हलाते जाना है साथ साथ, ताकि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये हमने सिमर पे रखा था, और ये 10 से 15 मिनट्स लेगा सिमर होने में, और अच्छे तरीके से मसाले को एक दूसरे में ब्लेंड होने में। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अभी काट के रखी है।
अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैंने एक रेड और एक ग्रीन डाली है, रेड जो है वो ऑप्शनल है। और जब आपने चिली को हाथ लगाया तो फिर आपने अपने हाथ को साफ कर लेना है। इतनी ज़्यादा ये वाली चिली जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। ओके, तो हम ये जो हमारे फ्रूट हैं, जैसे कि हमें हम लोग अपना फ्रूट जो है वो उसको डेकोरेट कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, आंखों से अच्छा लगेगा तो खाने को भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा, हम टीवी 99 के प्लेटफॉर्म से, हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक ऐसा खाना आपको दें जो कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। ये हमने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी दे रही है इस सैलेड को एक कलर। और थोड़े से हमारे पास है जो ऑरेंज, वो हम इसमें रख देते हैं। ये हो गए हमारे ऑरेंज। आज मेरे तरीके से कौन कौन सैलेड बनाएगा, अभी हमारा शो देखिएगा। और शो ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है कि अपने फ्रिज चेक करने हैं, उसमें कितने फ्रूट हैं, कितने वेजिटेबल्स हैं। 5 a day तो आपको ज़रूर लेने हैं, तो 5 से अगर ऊपर भी हो जाए तो इनका कोई नुकसान नहीं है। नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, फ्रूट खा लिया तो आपको कोई भी मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये हो गया हमारा। ओके, अब जो चीज़ रहेगी हमारी इसमें डालने के लिए वो है हमारी ये पेपर्स। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता कलरफुल बना लेना है। ये देखें, अब आपको पता है समीना के हाथ तो रुकते नहीं है जब वो डेकोरेशन पे आए। तो ये देखें, ये हो गया ग्रीन, येलो, रेड, सारे कलर आ गए इसमें। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सजा लिया। साथ साथ हम अपने चने जो हैं वो उनको हलाते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो जो मेन चीज़ हमने इसमें ऐड करनी थी वो क्या था? ऑफ कोर्स आज प्रोग्राम है चने का, तो हम इसमें चने नहीं ऐड करें तो ये चने के साथ ज्यादती होगी। तो हमारा ये मकसद था कि हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो देखें, ये सैलड जो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और खाने की पूरा दिन, क्योंकि ये चने जो हैं वो जो इस सैलड में कोई कमी रह गई है वो इसको पूरी कर देंगे। रिच ऑफ मिनरल्स, कार्ब्स, अनसेचुरेटेड फैट, ये हो गया आज का सैलड। और ये इसको थोड़ा सा टैंगी करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं हैलोपिनोज। हैलोपिनोज ये जो है ये पिकल्ड वाली हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस पिकल वाला जो ये विनीगर में है, और जो विनीगर का पानी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो आपको और कोई ड्रेसिंग इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सोल्ट भी है, ये टैंगी भी है। और ये हो गया तैयार हमारा आज का जो सैलड है। तो देखें, विद इन नो टाइम हमने एक सैलड तैयार कर लिया है, साथ साथ जबकि हमारा खाना बन रहा था। चने हमारे ये जो हैं ये भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन चनों का हमने क्या करना है, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और थोड़े से इसका क्रिस्पीनेस आ गया इसके ऊपर। कोई ऑयल नहीं इसमें डाला, सिर्फ सोल्ट में ये बॉईल किए हुए हैं। और इसको हम जब डिश आउट करते हैं इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये चनों का क्या हाल है। ये चने जो है हमारे ये बिल्कुल पक चुके हैं, इनको तो मैं आज बंद करने वाली हूँ कि बिल्कुल ये पकें। अब थोड़ी देर अगर रखेंगे तो जो थोड़ा सा ऑयल है इसका वो ऊपर आ जाएगा, तो इसकी लुक ज़रा अच्छी आ जाएगी।
हम क्या करते हैं कि ये जो चने हैं इनको डिश आउट करते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको कि आगे हमने क्या करना है, इन चनों को हमने किस तरीके से खाना है। और ये देखें हमारे पास ये है पाकिस्तान में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में, आपको पता है कि ये वो कागज़ को रोल करके कागज़ का एक पेपर का कोन बनाया होता है, उसमें ये सर्व करते हैं। चाहे तो इसको ग्रिल में बना लें, बहुत अच्छा स्नैक है, गरम गरम अपने जो गेस्ट आए उनको भी यही पेश करें और ख़ुद भी आप यही खाएं, सर्दी के लिए ये बहुत अच्छे हैं। पहलवानों को दिए जाते हैं, वॉरियर जो जंग पे जाते थे पहले ज़माने में उनको दिए जाते थे, घोड़ों को दिए जाते हैं ताकत के लिए। इसको सर्व करेंगे हम लेमन के साथ, इसलिए हमने ये एक लेमन काट के रखा था। लेमन इस पे हमने थोड़ा सा खाते वक्त हम इस पे थोड़ा सा लेमन डालेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी ये दो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और हम जाएंगे झटपट। ओह सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमारे पास एप्पल और ये भी था, थोड़ा सा हम इस पे वो भी स्प्रिंकल कर देते हैं, एक्स्ट्रा कलर आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे व्यूअर्स कि हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि हम और क्या कुछ बना सकते हैं। ओके, हम मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, उम्मीद है कि आप हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे होंगे और जल्दी जल्दी से आपने ब्रेक में चने भगो लिए होंगे, ये मुझे पता है। आज तो हमने क्या किया, हमने चने का एक सूप कह लें या उसको एक सालन जो है करी हमने चने की बनाई, और उसके बाद हमने एक ड्राई डिहाइड्रेटेड चने बनाए जो कि स्नैक था हमारा, एक हमने एक हेल्थी किस्म का इसका सैलड बनाया। तो अब जो है हमारा वो अब आज का जो रेसिपी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, हमारे चने पक चुके हैं, हमारा सैलड बन चुका है और जो डिहाइड्रेटेड चने थे हमारे वो भी बन चुके। हम ऐसा करते हैं कि इसको सर्व करने के लिए पीटा ब्रेड जो है वो उसको हम आज गर्म कर लेते हैं, नान ब्रेड, सॉरी हमारे पास नान ब्रेड है आज। हम यहाँ पे हमने क्योंकि दो तीन चीज़ें बनाई, वरना आपको पता है कि मैं अपना मील हमेशा पूरा आपको नान बनाने यहाँ पे हमने सिखाए, हम आपको ब्रेड यहाँ पे बनाने सिखाई, हर किस्म की ब्रेड, अफगानी ब्रेड हमने आपको बनाना सिखाई, रोटी तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं, पराठे कैसे बनाते हैं। तो आज जो है हम ये आपको एक बता रहे हैं कि अगर आपका किचन में टाइम ज़्यादा हो गया है तो आप क्विक वे में कुछ करना है तो ये पीटा ब्रेड है, इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राइंग पैन में गर्म कर लेना है। तो जब तक ये गर्म होगी हम जो है वो अपना ये हमारा जो चने हमने बनाए हैं इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, चलें फिर शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा सा पॉट है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। एक्चुअली हम इसको ज़रा इस साइड पे कर लेते हैं। ये आज ऑन नहीं होना चाह रहा। अच्छा, हमने कर लिया इसको बिल्कुल स्लो, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से पके और जले नहीं। हम अपने चने जो हैं इनको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स देखें आप कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया, थोड़ा ऑयल डाला था मैंने वो भी इसके ऊपर आ गया। चने जो है अपनी ज़ात में बहुत ड्राई होते हैं, चने में अपना कोई फैट नहीं होता, तो ये इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया। आप चाहें तो इससे भी कम, मैं कोशिश करें कि आप इससे भी कम जो फैट है उसमें चने को बनाएं, क्योंकि ये जो चने हैं ये ग्रेवी वाले या शोरबे वाले चने हैं, ये एक किस्म के सूप की तरह है और इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपको मोटा करने के लिए भी, जो लोग बहुत पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं, तो आप अगर इसको चना मसाला बनाएं बटर के साथ, खूब बटर के साथ आप इसका चना मसाला बनाएं तो ये आपको मोटा भी करेगा। तो ये देखें, अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल से ये एकदम से मैश नहीं होता जैसे कि दूसरे चने आपके वो एकदम से मैश हो जाते हैं पकाने में, ये अपनी शक्ल जो है उसको बरकरार रखता है, शक्ल इसकी ख़राब नहीं होती। इसके शोरबे को ज़ाया मत कीजिए, शोरबे को आपने ज़ाया नहीं करना, ये जो है इसमें शोरबे में बहुत इसकी अफादियत है। ये देखें हमारे जो नान ब्रेड है वो इतने अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो गई है बिल्कुल से, और हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गार्निशिंग इसकी, जब तक कि हमारी ब्रेड जो है वो दूसरे तरफ से बनती है।
झटपट से हमने किचन में काम कर लिया। इतनी जल्दी ये डिश बनी, आपने देखा, आपके सामने बनी। मैंने ये चने जो है वो बॉईल करके रखे हुए थे, लेकिन अगर आपने बॉईल नहीं किए हुए तब भी अगर आपने इनको ओवरनाइट सोक किया था तो ये चने जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर में 10 मिनट लेते हैं। बिल्कुल ये जो चने हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा गलते नहीं हैं, थोड़ी सी अपनी फॉर्म रखते हैं। थोड़ा सा हमने नमक डाल के इनको बॉईल किया, कोई आपको इसमें बेकिंग सोडा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, हमने आज अभी कर लिया इसको गार्निश, ये होगी हमारी गार्निशिंग। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको भी आप लेमन के साथ सर्व कर सकते हैं। लेमन हो गया आपका और आपकी ब्रेड भी साथ साथ तैयार है। अच्छा, हमने करी बनाई, सैलड बनाया और हमने एक आपको साथ इसके स्टार्टर भी दिया, आपको हमने एक स्टार्टर भी इसके साथ दे दिया। या कि आप ये देखें, ये हमने गरम मसाला जो घर का बना हुआ फ्रेशली ग्राउंड गरम मसाला है वो इसमें ऐड किया। मसाले खुद घर पे बनाया करें, बहुत फर्क है शॉप बोर्ड और जो घर के बने हुए मसाले होते हैं उनमें, और शॉप बोर्ड जो मसाले हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। हमने इसको कर देना है अब डिश आउट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। हो गया हमारा ये नान ब्रेड भी बिल्कुल तैयार। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अच्छी लगी? बनाएंगे ना आप और मुझे देंगे अपना फीडबैक। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी खिदमत में एक और रेसिपी लेके आऊँगी। नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और आज हमने देखें झटपट में हमने कितने चीज़ें बना ली, एक ही चीज़ को पकाने के कितने तरीके होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अब जब बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिस तरीके से भी आप कहें। कम का मतलब ये है कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो यही चने जो हैं ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में आप खाएंगे तो आपका वेट लूज़ होगा। अगर आप इस फॉर्म में खाएंगे और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे और इसको आपने ये काब के साथ खाना है, यानी कि ब्रेड के साथ खाना है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको मोटा भी करेगा, फीलिंग होता है बहुत ज़्यादा और जल्दी से ब्रेक नहीं होता आपके ब्लड में, ब्लड शुगर में नहीं बनाता जल्दी से, और इसलिए आप जो है ये ज़्यादा आप फिल रहते हैं, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही मील जो है आपके लिए दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। इसकी अमाउंट जो है वो भी आपने ध्यान रखना है कि इसकी अमाउंट आपने कितनी लेनी है। ये नहीं कि चने हैं तो भाई आप हेल्थी हैं तो ज़्यादा खा लें, नहीं, इसमें कैलोरीज जो हैं वो इतनी भी कम नहीं है। तो लेकिन एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है मीट का, प्रोटीन, अगर आप फिश और चिकन नहीं खाते हैं तो ये इससे आपको प्रोटीन मिलेगी। इसी के साथ मुझे समीना को यहाँ से इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम एक और एक्साइटिंग रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।